Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. ये आवाज उड़ीसा तक जानी चाहिए, इसलिए आप सभी नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा कि वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं रवानी, और जब चोर से नहीं लल्ला तो नहीं किस काम की जवानी। माता की क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार मिश्रा नाम है। अमित कुमार मिश्रा जी, जैसे हम देख रहे हैं अखिल भारतीय सांस्कृतिक छात्र परिषद। हाँ जी। तो यहाँ जंतर मंतर पे किन मांगों को लेकर आप लोग इकट्ठे हुए? हम ये मांगे जो लेकर बैठे हैं, ये उड़ीसा सरकार के खिलाफ जो उड़ीसा सरकार ने ये नीतियाँ बनाई है, संस्कृत विरोधी नीतियाँ बनाई है, इस नीतियों के खिलाफ हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं। कौन सी नीतियाँ बनाई? अब जैसे वहाँ तीसरी भाषा में संस्कृत अनिवार्य थी अभी तक, अब उन्होंने क्या कर दिया है, उसे ऑप्शनल बना के उसमें वोकेशनल में IT विषय जोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृत भाषा पहले अनिवार्य रूप में थी, वही अनिवार्य रूप में फिर से संस्कृत भाषा को स्थापित किया जाए। दूसरा मुद्दा जो हमारा है, कई हमारे जो छात्र हैं, भाई बहन सभी, ये जो छात्र हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 13 कैंपस हैं, और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और तिरुपति विद्यापीठ, ऐसे करके मतलब देश में 15 से 16 संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं। सभी में हमारे जो उड़ीसा के 50 से 60% छात्र केवल उड़ीसा के वहाँ शिक्षा शास्त्री BEd कर रहे हैं। तो जो ये उड़ीसा सरकार है, ये सरकार ये शिक्षा शास्त्री डिग्री को मानने से इनकार कर दिया है, और जब हमारे ये छात्र वहाँ सरकार से बात रखने अपने जाते हैं तो वो लोगों का दुर्व्यवहार क्या कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाने वाले और तुम पढ़ने वाले सब अयोग्य हो, और कहते हैं कि तुम लोग IAS IPS क्यों नहीं बनते हो। उन मूर्खों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज भारत की ही जो गरिमा है वो केवल संस्कृत से ही है। आज उड़ीसा के जो नवीन पटनायक जी हैं वो खुद विदेश से पढ़े हुए हैं, वो संस्कृत को तो खुद नहीं जानते, और ये तो ये, और वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं उस राज्य की मातृभाषा को भी नहीं जानते हैं, तो वो संस्कृत के बारे में क्या हमारी जानेंगे। हम उन्हें जगाना चाहते हैं कि हम संस्कृत के छात्र अब साथ नहीं बैठने वाले, अब ये उड़ीसा की बस मांग नहीं रह गई है, हम पूरे देश के छात्र उड़ीसा के भाइयों के साथ खड़े हैं और पूरे कदम से कदम मिलाकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे। मैं प्रलय दास हूँ। यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे किन मुद्दों को लेकर आप लोग बैठे? हमारा मुद्दा क्या है ना, अभी संस्कृत का मतलब हटा दिया जा रहा है उड़ीसा से, हम सोचते हैं कि वो IT को, अभी IT का लागू किया है थर्ड ऑप्शनल में, तो उस IT को हटाकर संस्कृत को 6वीं से 10वीं तक अनिवार्य रखा जाए, ये हमारा पहला मुद्दा है। और अभी तक 2014 से लेकर 2019 तक वहाँ पर 17,000 पोस्ट है, लेकिन अभी तक वो उस पोस्ट निकला नहीं अभी तक। मैं जो संस्कृत के टीचर है उनकी कोई पोस्ट नहीं निकले अभी तक, तो हम चाहते हैं कि जो उसका नियुक्ति के लिए वो पोस्ट निकाले। तो ये यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ किससे मांग कर रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा की सरकार है वो तो सुन नहीं रही आपकी, और आप यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए, तो ये मांग आप किससे कर रहे हैं यहाँ पे? ये मांग हम पूरा भारत सरकार को ही कर रहे हैं, इसके साथ नवीन पटनायक को भी कर रहे हैं कि संस्कृत अगर नहीं सीखोगे तो संस्कृति नहीं आएगा। यहाँ तक कि हर जगह संस्कृत संस्कृत है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाता है सत्यमेव जयते, ये भी संस्कृत का ही भाषा है, हर जगह संस्कृत है, इसलिए हम चाहते हैं जंतर मंतर में, क्योंकि जंतर मंतर में करने से भारत की कोने कोने से सब बच्चे इधर आकर यहाँ पर धारणा देते हैं, इसलिए हम जंतर मंतर में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों की नहीं सुनी जाती तो अगले कदम क्या उठाओ? अगले कदम हम उड़ीसा में जाके विधानसभा में पूरा लगभग जितने भी संस्कृत के 6 लाख जो बच्चे हैं वहाँ पर धारणा देंगे, और मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है उनका घर के पास में धारणा हम देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार पंडा है। तो कहाँ से आए हुए? मैं उड़ीसा से आया हूँ, ये दिल्ली में मैं शिक्षा शास्त्री यानी कि BEd करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे किन मांगों को लेके आप? हम यही उड़ीसा सरकार के विरोध में आए कि वो NCT के प्रमाणित जो हमारा उपाधि है उनको अमान्य कर दिए हैं उड़ीसा में। तो हम खाली उड़ीसा में किया या सभी राज्यों में किया? प्राय लगभग जितने राज्य में, जैसे कि यहाँ पे अभी लगभग हुआ है, जैसे कि द्वितीय भाषा को हिमाचल प्रदेश में संस्कृत भाषा किया है, लेकिन अभी कुछ राज्य हैं वहाँ पे संस्कृत को भी हटा दिया गया, अभी तत्काल उड़ीसा में हटा दिए हैं संस्कृत को, कि यही हम मांग करते हैं कि उड़ीसा में संस्कृत को तत्काल लागू किया जाए, और जो शिक्षा बाहर जितने भी शिक्षा शास्त्र
मंत्री यानी कि बीएड कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट जितने की उपाधि है उनको मान्य करे सरकार। तो कितने स्टूडेंट होंगे जिन्होंने संस्कृत में बीएड की हुई है? संस्कृत में लगभग अभी 6 लाख स्टूडेंट हैं हमारे ओडिशा में और लगभग भारत वर्ष में 3 करोड़ छात्र हैं संस्कृत के। तो क्या सभी छात्र इसका विरोध कर रहे? जी सर, सभी छात्र विरोध कर रहे हैं और सभी कैंपस से लगभग जितने भी हमारे 15 कैंपस है सभी यहाँ छात्र आए हुए हैं और सभी हम मांग करते हैं कि संस्कृत को हम मिटने नहीं देंगे। तो अगर ये मांगे आपकी नहीं सुनता कोई भी जी, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो उस आगे के कदम क्या उठाओगे? आगे के कदम, हम संस्कृत के छात्र हैं, अब जाग गए हैं सभी, तो ऐसे कि हमारे भारत माँ के शीश झुकने नहीं देंगे क्योंकि हमारा संस्कृति हमारा संस्कार है। अगर संस्कार जो होता है परिवार से होता है और जो परिवार होता है वो समाज होता है और समाज जो होता है राष्ट्र होता है, तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा अगर संस्कृत को हटा दिया जाए? तो क्या नाम है भैया? मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, मैं ओडिशा से हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे को एक चीज ये बताओ, जो लाल बहादुर शास्त्री है खाली उसी के संस्कृत के टीचरों को परेशान की, जो स्टूडेंट है उन्हीं को इससे वर्जित किया जा रहा है या सभी संस्कृत के जो भी? नहीं, ओडिशा में अभी बाहर, ओडिशा के बाहर जितने भी विश्वविद्यालय है जहाँ भी छात्र पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्री कर रहे हैं, उनका प्रमाण पत्र का मान्यता नहीं दिया जा रहा है ओडिशा में, हाँ सभी का। इसलिए हम सारे बच्चे आज इकट्ठा हुए हैं और उस प्रमाण पत्र की मान्यता दी जाए, ये हमारी मांग है। और एक मांग है कि जो संस्कृत के जगह में संस्कृत के साथ साथ आईटी जैसे वोकेशनल कोर्स को जोड़ा गया है, जिस कारण के इसी कारण से आजकल छात्राएं कुछ संस्कृत पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो आधुनिक विषय ही पढ़ेंगे। इसलिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो संस्कृत का लोप हो जाएगा और संस्कृत की कोई मतलब विषय नहीं रहेगी आगे वाली पीढ़ी में। तो इसलिए हम ओडिशा सरकार से निवेदन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि संस्कृत को एक विषय, एक जैसे था पहले तृतीय भाषा के अंतर्गत था, ऐसे ही तृतीय भाषा के अंतर्गत मतलब सेपरेट रखा जाएगा। इसलिए हम ओडिशा सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि हमारे प्रमाण पत्र का मान्यता दी जाए और जो जितने भी संस्कृत पढ़ने वाले के बालों के लिए नियुक्ति निकाला जाए। और एक बात है, जो संस्कृत के साथ साथ आईटी जोड़े हैं उन आईटी को हटा के संस्कृत को अनिवार्य किया जाए। अगर अनिवार्य आईटी जोड़ना है तो अलग जोड़ दीजिए, जैसे बच्चे दे रहे हैं 600 मार्क का एग्जाम दे रहे हैं तो आईटी और 50 या 100 मार्क का जोड़ दीजिए, उसमें 700 मार्क का हो जाएगा। संस्कृत के साथ साथ क्यों जोड़ रहे हैं आईटी को? अगर आईटी जोड़ोगे तो संस्कृत ही लोप हो जाएगा, संस्कृत ही नहीं रहेगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.